हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेज। और ये हमारा जो सीरीज है वो मुई पाई पे रहेगा। और मैं काफी खुश हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने एनरोलमेंट किया है इस पे, जो कि फ्री है। ये पूरा कोर्स हम करवाएंगे और कोर्स पूरी तरीके से फ्री रहेगा। बहुत सी चीजें हम सीखने वाले हैं और आशा करता हूँ आप जो कोर्स है इसको पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और आप एनरोल कर सकते हैं अभी भी इस कोर्स में। बिल्कुल फ्री कोर्स है, किसी प्रकार का कोई फीस चार्ज नहीं रहेगा। तो आइए, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मूवी पाई कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मूवी पाई इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों क्या है, हमारे पास पाइथन होना चाहिए इंस्टॉल किया हुआ, जो कि है हमारे पास। उसके बाद आपको पिप इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। अगर आप में से काफी लोगों के पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पे, पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, मूवी पाई पिप जो होता है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इस पे वीडियो बना चुके हैं हम। तो ये दो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो। और उसके बाद क्या है, आपको मूवी पाई इंस्टॉल करना होता है और इमेज मैजिक जो है वो इंस्टॉल करना होता है, और एक हमें इंस्टॉल करना होता है पाई गेम। तो पाई गेम कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। नई चीज जो है वो है इंस्टॉलिंग मूवी पाई एंड इंस्टॉलिंग इमेज मैजिक। तो ये दो चीजें कैसे इंस्टॉल करने हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं मूवी पाई कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको कमांड बॉक्स में जाना है और वहां पे जाकर के हम क्या करते हैं, मूवी पाई इंस्टॉल करेंगे। तो आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल लिखना है, यहाँ पे पिप इंस्टॉल मूवी पाई ये आपको करना है, ये करना है। अगर इसमें दिक्कत होगा तब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको एंटर करता हूँ, मेरे वाले में इंस्टॉल हो जाएगा ये। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो मेरे पहले से ही मूवी पाई है वो इंस्टॉल हो चुका है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मूवी पाई, ये हो गया है। और आप इस तरीके से करेंगे तो मूवी पाई इंस्टॉल हो जाएगा। अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिक्कत आई अगर मूवी पाई इंस्टॉल होने में, तो आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल ez अंडरस्कोर सेटअप, ये आपको पहले इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका मूवी पाई जो है वो आपका इंस्टॉल हो पाएगा। तो ये अब मैं एंटर करता हूं, तो ये ऑलरेडी मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है, इसलिए ये बोल रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटअप। लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है तो पहले आपको पिप इंस्टॉल और स्पेस देके इजी अंडरस्कोर सेटअप ये करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमांड यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप जैसे पिप इंस्टॉल मूवी पाई करेंगे तो आपका मूवी पाई है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मूवी पाई इंस्टॉल कर लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं इमेज मैजिक है उसको कैसे डाउनलोड करना है वो हम सीख लेते हैं। इमेज मैजिक को डाउनलोड करने के लिए आपको imagemagic.org पे जाना है और उसके बाद डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड इमेज मैजिक में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बता रखे हैं। हमें विंडोज के लिए करना है तो हम विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स दे रखे हैं। तो आप देखेंगे टॉप में जो आ रहा है वो लेटेस्ट वर्जन है इसका, विंडोज 64 का है। अगर आपका विंडोज 32 है तो आप यहाँ देख सकते हैं, या विंडोज 32 के दिए हुए हैं तो अपनी विंडोज के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसा कि मेरा विंडोज 64 है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, टॉप जो आ रहा है मेरा इस पे मैंने क्लिक किया है, और आप देख सकते हैं मेरा इमेज मैजिक जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो अभी हमारा जो इमेज मैजिक है वो डाउनलोड हो गया है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है सेटअप है वो हमारा विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने यस किया और अब ये मुझे पूछता है आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट। और अब यहाँ पे अपने को देखना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कौन सी जगह सेव हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल हो रहा है, जहाँ पे पहले से ही हमारा जो है मूवी पाई हमने सेव किया हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है उसी फोल्डर में सेव करना है जहाँ पे हमारा मूवी पाई सेव हुआ है। तो आप देखिए ये प्रोग्राम था, इसमें हमने मूवी पाई सेव किया था, इसी के अंदर ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इसको हम ओके कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाना है आपको और फिर नेक्स्ट पे जाना है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या करना है, आपको इंस्टॉल लिगेसी यूटिलिटी कन्वर्ट है इस पे क्लिक कर देना है। ये जो चेकबॉक्स आ रहा है
इंस्टॉल लिगेसी यूटिलिटीज कन्वर्ट, इस पे क्लिक करना है, फिर हमें जाना है नेक्स्ट पे और इसको इंस्टॉल कर देना है। अभी ये इंस्टॉल हमारा हो चुका है इमेज मैजिक का, सॉरी इमेज मैजिक हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करना है अपने और उसके बाद इंस्टॉलेशन फिनिश कर देना है। तो हमारा इमेज मैजिक है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें एक काम और कर लेना है, नमपाई जो है उसको हम रीइंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बिना क्या होगा, कई बार कॉम्पेटिबिलिटी के कारण एरर आ सकता है, अगर एरर आता है तो आपको नमपाई दोबारा से रीइंस्टॉल कर लेना है। नमपाई रीइंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, हमें पिप लिख करके और फिर इंस्टॉल करना है अपने को। नमपाई का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हम करेंगे और इससे क्या होगा, हमारा जो ओल्ड वर्जन होगा या जो भी वर्जन अनकंपेटेबल वर्जन होगा वो डिलीट हो जाएगा। मैंने दो ये बीच में स्पेस दे दिया है, अब हटा करके इसको देखते हैं नंबाई, और बीच में स्पेस नहीं देना है आपको 1.19.3 और अब एंटर करेंगे आप तो आपका जो पुराना या जो एग्जिस्टिंग वर्जन है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और 1.19.3 है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो आपका नमपाई का एरर आ रहा होगा वो एरर यहाँ से हट जाएगा। एरर कैसे आता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और शायद आप वो वीडियो करेंगे तो हो सकता है आपको एरर आ जाए। अगर एरर ऐसी आ जाती है तो दोस्तों उसको इस प्रकार से दूर कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो इंस्टॉलेशन का पार्ट पूरा हो चुका है। अगले वीडियो से हम जो मेन कोडिंग का काम है उस पे काम करना शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप कल तक ये सारी चीजें इंस्टॉल करके रख लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, दो तीन कोई वीडियो छोटे छोटे चार चार पांच पांच मिनट के डाउनलोड करके रख लेने हैं जिन पे हम काम करने वाले हैं, तो वो पहले से आप करके रख लीजिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हम सीखने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है दोस्तों, और अगर कुछ आपको इश्यू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है उन लोगों को मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग क्लासेस विद कोडिंग गुरु।